हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टाक आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आया हूँ यार अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहाँ पे एक शख्स हैं जिनकी उम्र अराउंड 60 इयर्स है और आज जाके उन्होंने पैरामोटर बनाया। अराउंड 40 साल हो चुके हैं उनको काम करते हुए इस पर, और आज जाके उन्होंने टेस्टिंग के लिए मुझे फ़ोन किया था। तो चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको दयाराम से, जो कि हैं बिलोंग करते हैं अलवर से। हेलो अंकल जी, कैसे हो जी? ये इन्होंने अभी जो है वो पैरामोटर बनाई है, जो इसका इनका लास्ट प्रोजेक्ट था। और इससे पहले उन्होंने KTM की बाइक से और नैनो गाड़ी के इंजन से और पहले पैरामोटर बनाया था। उससे और भी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं वैसे, लेकिन ये लास्ट प्रोजेक्ट था। और उन्होंने एयरक्राफ्ट का इंजन यूज़ किया, जो रोटैक्स हम सपने देखते हैं उस इंजन के साथ में उड़ान भरने का, उन्होंने वो इंजन लगा के घर पर पैरामोटर तैयार किया है। हालांकि डिज़ाइन में थोड़ी कमियाँ हैं, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो जाए। लेकिन आज हम इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं और इनकी सराहना के लिए देख लीजिए पीछे कितने लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि गांव वालों को और ये आसपास के जितने भी शहर हैं उनको सबको पता है कि दयाराम जी ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे जो ये काम कर सकते हैं। तो आज कितने साल हो गए आपको काम करते हुए इसी पे? हाँ, इसी पे इच्छा है तो 40 साल पहले से ही थी। 40 साल पहले तक तो ये चीज़ें थी नहीं। चलो पैरामोटरिंग आज मैंने 5 साल हो गए देखते हुए, कि जब मेरे गांव में मैं पहला था। तो 40 साल पहले कहाँ से आइडिया आया कि चलो ऐसे प्रोपेलर लगा के और हम ऐसी कुछ चीज़ बना सकते हैं? एक कहीं टेलीविजन में कोई पिक्चर में देखा था। अच्छा, उससे आ गया पिक्चर में देखा। देखिए, जिस उम्र के अंदर जो लोग हैं वो अपनी गृहस्थी के अंदर उलझे रहते हैं, उन्होंने टीवी के अंदर एक आइडिया लगा लिया कि ठीक है ये चीज़ ऐसे चलती है और ऐसे उड़ भी सकती है, और उन्होंने इतने साल पहले वो स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में शायद आपने राजदूत के इंजन से लगाया था ना, राजदूत के इंजन के ऊपर प्रोपेलर लगाया, प्रोपेलर घर पे बनाया, सब कुछ घर पे बनाया और उसको चलाया, और आज इनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाई है, जो कि मैं टेस्टिंग करने के लिए आया हूँ। तो बाकी इनकी जो वीडियोज़ हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो चलिए आज इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं मशीन की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं अभी आपको थोड़े मशीन के दर्शन करवा देता हूँ। बस रोक। एक और बात बता दूं कि अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतना डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रह के जो भी इनको सामान मिला, चाहे वो दिल्ली से इकट्ठा कर सकते थे या जयपुर से किया, और ये जो पूरा एयरक्राफ्ट के इंजन के साथ में पैरामोटर तैयार किया इन्होंने। एक ख़ास बात और है कि यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन की कॉपी नहीं की है इन्होंने। अगर हमारी बात करते हैं तो आज हम बिल्कुल कॉपी करते हैं, कोई फ्लाई प्रोडक्ट कर रहा है किसी भी अदर कंपनी की जो है वो इम्पोर्टेड डिज़ाइन की हम कॉपी करते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन खुद ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं किसी भी पैरामोटर से ये मैच नहीं करता है। ये सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा उपलब्धि होती है, क्योंकि उस एरिया में रह के जहाँ पे पैरामोटर है नहीं और अपना ही डिज़ाइन सेलेक्ट करके ये बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने जो एल्युमिनियम और स्टील दोनों का जो मिक्सअप बनाया है, हालांकि इंजन थोड़ा पावरफुल है इसलिए इसका वेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मशीन हमारी कितनी हैवी बनी है, और रेडिएटर वगैरह सब कुछ ही इन्होंने लोकल जो इसके ऊपर सूटेबल हो सकता था उसी के साथ में बनाया है। तो यार मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में फ्लाइंग करने जा रहा हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है। मैंने 4 या 5 साल मेहनत की होगी, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, सर के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन फाइनली आज ये टेक ऑफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं दिखा देता हूँ, टायर्स के अंदर इन्होंने डबल सस्पेंशन दी है, सस्पेंशन वायर भी दी है, और इसके साथ में जो स्टॉक के आते हैं स्कूटर के अंदर, स्कूटर के है ना ये, स्कूटर के सस्पेंशन इसके दिए हैं, और साथ में वायर सस्पेंशन दिया, अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो भी। और फ्रंट फोक की अगर बात करूं तो वहां पे भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। आप अगर डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन मत देखिए, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने घर पे ही बनाई हैं, चाहे वो कैराबिनर हो, चाहे
रेडिएटर हो या पूरा मशीन जो है वो घर पे बनाया है फ्यूल के टैंक के साथ में। तो चलिए अब टेस्टिंग करते हैं इसकी, और दर्शक काफ़ी जुड़ चुके हैं। यहाँ से पकड़े रखियो, यहाँ सही हो, हाँ ठीक है, दोनों हाथ करने पड़े, स्टार्ट करते हैं बाद में। और पीछे हो गया, आराम से बैठ जाओ, स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग जी। अभी वीडियो चलो ना, नहीं चलो तो नहीं है, लेकिन ये शायद चलो तो बटन होगा नहीं तो। अरे मोटरसाइकिल उठा दे, रेस ऊपर नीचे जाता हुआ मेरे साथ। अरे हम पेड़ नहीं सही बता रहे, हम पे तो कमाल मारेगा खिंचाई हकीकत लाइन मल पड़का बाबा से मुलाकात करो। दादी
इस उड़न खटोले को बनाने वाले दयाराम पांचवी की कक्षा तक ही पढ़े हैं। वो इंजन मिस्त्री हैं, दूध मावा बेचने का कार्य करते हैं। दयाराम ने जब उड़न खटोला का ट्रायल किया उस दौरान सिरसा के पैरा ग्राइंडिंग पायलट कुलदीप टांक मौजूद रहे। दयाराम ने उड़न खटोले को 300 मीटर तक आसमान में उड़ाया।